गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, मिले जुले से संकेत है ग्लोबल मार्केट में। इनफैक्ट थोड़ी कमजोरी वाले ही है। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी शुक्रवार को थोड़ी 19 से ज्यादा रही और डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त है। इसके साथ साथ एफआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर भी बना हुआ है। तो ये दो फैक्टर्स आज शुरुआत करने के लिए नेगेटिव, और पिछला हफ्ता हमने बड़ी मुश्किल से 18,500 के आसपास की क्लोजिंग दी, जो तीन हफ्तों की जो लोएस्ट क्लोजिंग है उसके आसपास ही हम जाकर बंद हुए। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अहम लेवल जो 18,500 के नीचे जाकर बंद होना चाहिए वो नहीं थोड़ा, तो अब देखते हैं आज फिर से क्लोजिंग बेसिस पे इसे होल्ड कर पाते हैं या नहीं। लेकिन जहां तक हमारे बाजारों में कुछ अच्छी बातों का सवाल है, एक तो ये कि हम सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, दूसरा ये कि लोकल फंड्स की खरीदारी अभी भी बरकरार है, कोई वहां पर खास चिंता की बात नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि कच्चा तेल और बाकी सेक्टर अभी भी स्टेबल है, वहां से किसी तरह के कोई नेगेटिव संकेत है नहीं। इन सबके बीच में जो अब आज के लिए निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा वो है 18,350 से 18,400 की रेंज। ये रेंज है आपके लिए इमीडिएटली सपोर्ट के तौर पर, और ऊपरी स्तरों पर 18,600 18,650 ये वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी रहा सवाल बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी के मुकाबले में काफी बेहतर, काफी मजबूत है। शुक्रवार को हमने जहाँ क्लोजिंग देखी है बैंक निफ्टी में, वो लाइफ टाइम हाई है, इंट्राडे में बनाया है, क्लोजिंग बेसिस पे बनाया है। तो निफ्टी कमजोरी के संकेत दे रहा है, बैंक निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है, ये एकदम आपके लिए साफ साफ है। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 43,300 से 43,375 इस रेंज में आए तो डेफिनेटली एक खरीदारी का मौका बनेगा। और ऊपरी स्तरों पर 43,850 से 43,950 वो रेंज जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी। तो ये सारे के सारे लेवल्स हैं जिन पर आपको नजर रखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गैप से खुले नीचे तो वहां पर आपको जो रेंज दी है उसमें खरीदारी का मौका बनेगा, और अगर कम गैप से खुले तो इंतजार करें, फिर देखें सपोर्ट लेवल के आसपास आने पर खरीदारी करें, और अगर पहले मजबूत होकर ऊपर जाए तो जो रुकावट की रेंज है 18,650 वहां पर थोड़ा हल्का होना चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी डिप और अगर खासतौर से बड़े गैप से खुले तो सर ने कैटेगोरिकली कहा है कि आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपर खुलता है तब थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। निफ्टी 18,350-400 ये सपोर्ट रेंज होगी आपके लिए, खरीदारी का भी ये उपयुक्त लेवल होगा। 18,600-650 ये आज अपर बैंड साबित होगी। बैंक निफ्टी 43,300 से 375 सपोर्ट रेंज के तौर पर आपको इसे इस्तेमाल करना है, और अपर बैंड 43,950 रिकॉर्ड हाई लेवल्स के पास स्ट्रेच करता हुआ दिख सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और